So we will wait for some time. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो वो टॉपिक जो था, मैं सिंपल जो फॉर्मूला थी उनको अप्लाई करनी थी, उस टाइप के एग्जांपल्स देखे थे। थोड़े बहुत बाकी रह गया है क्योंकि इनफ टाइम हमारे पास नहीं था, तो आगे उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या था कि एग्जांपल था कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, कि जो भी टर्म्स दी है आपको उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो भी इंटीग्रेशन है उसको अप्लाई करना है। सो सिक्स क्वेश्चंस हमने किए थे, नाउ सेवेंथ वन। सेवेंथ क्वेश्चन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 dx। स्क्रीन ठीक से सबको दिखाई दे रही है? ब्लर देखा है मैडम, ब्लर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, ब्लर। ओके ओके, वेट। नाउ ओके, यस मैम। ओके, आप अपने हिसाब से रिजोल्यूशन सेट कर देना उसमें, ठीक है। मैंने 720 पे रखा है। सो नाउ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 36 डीएक्स। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे कल हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें क्या था, नीचे एक ही टर्म थी और ऊपर दो टर्म्स का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, उस टाइप का कुछ था। तो हम क्या कर सकते थे उसमें कि जो दो टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर सेपरेटली दे सकते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे दो टर्म्स है, ऊपर एक टर्म है, इन दोनों को हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये मैथ्स का एक रूल है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके हिसाब से अभी देखो इसकी कोई हमारे पास फॉर्मूला है, इस टाइप का फंक्शन जो है इसकी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर ऊपर वन होता और नीचे ये वाली टर्म होती तो कल हमने वो फॉर्मूला देखी, टोटल हमारे पास 15 और कल हमने 10 फॉर्मूला देखी, तो वो लास्ट वाली 10 फॉर्मूला थी वो अप्लाई हो सकती थी यहाँ पे। ऊपर अगर वन है, नीचे इस टाइप की सिर्फ टर्म है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नीचे ऊपर जो है सेम इस टाइप की टर्म सेट कर दो, है ना। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए यहाँ पे ओनली माइनस 36,
मीन्स की कॉन्स्टेंट की ही कमी है, तो कॉन्स्टेंट से सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे इसमें, ये इतना ऑलरेडी है ही हमारे पास, मोबाइल ठीक हो रहा है। है। हाँ, सबको ब्लर हो रहा है, जिनको भी ब्लर हो रहा है वो बताओ प्लीज। मैम और कोई है? मैंने एक्चुअली यहाँ पे मेरा मीन्स जो भी है यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस यस देखा हाँ वही कि मे बी आपके साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जिनको भी ब्लर दिखाई दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए वेट करो, और अगर ज्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है तो फिर आप लीव कर सकते हो आपकी अटेंडेंस देके। ठीक है, बट मुझे इन्फॉर्म करना पहले, और जब ये रिकॉर्डेड वीडियो जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तब वो रिफर कर लेना आप। ओके, लेट्स सी नाउ या कि ये ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, इतना करते हैं। अब ये जो नीचे वाली टर्म है वो यहाँ पे ऊपर सेट करते हैं। क्या चाहिए हमारे पास, यहाँ पे होना चाहिए -36, तो वो लिख दो। अब देखो सिर्फ होना चाहिए x2 ही, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो सब्ट्रैक्ट किया तो वो ऐड भी करना पड़ेगा। तो हो गया ये बैलेंस ऊपर, ये कैंसिल आउट होके सिर्फ x2 हो गया। तो सिर्फ हमने क्या किया, इसको रीराइट किया। अब देखो हम ये दोनों की पैर बनाए और इसको अलग से रखे। अब एक फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर प्लस करके इसके डिनोमिनेटर में, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट दे रहे हैं हम, ये दो हमने पैर बनाई उसको सेपरेट दे दो। तो हम लिखते हैं x² -36 अपॉन x² -36 प्लस 36 अपॉन दिस। क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ सेपरेट किया। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 हुआ। अब चलो एक काम करते हैं, इसको सेपरेट ही दे दो और एक स्टेप नहीं बढ़ाना। ठीक है, ये 1 हो गया, इसको सेपरेटली ये इंटीग्रेशन दे दिया। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेशन दो, तो इंटीग्रेशन 36 कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ ये वाली टर्म। ठीक है ना, दोनों एक साथ ही मैंने ऑपरेशन कर दिए, क्या कि ये कैंसल आउट हो गया और इसको ये इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया, इसको भी सेपरेट दे दिया। यहाँ पे 36 एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर? अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 नो, दैट इज द डिफरेंशिएशन, एक्स इंटीग्रेशन प्लस में यस एक्स होगा। ठीक है, अगर डी एक्स है तो एक्स होगा, डी वाई है तो वाई होगा, डी जेड है तो जेड होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1 का एक्स होगा प्लस 36 एज इट इज। अब देखो ये वाली टर्म को रीराइट करो, हम लिखते हैं x² - ये किसका स्क्वायर है, तो 6² ओके अब ये वाली फॉर्मूला क्या कौन सी लगेगी, वन अपॉन x² - a² कौन सी, लॉग वाली। बट कौन सी, लॉग में भी दो टाइप की है, 1/2a वाली और एक सिंपल वाली। कौन सी लगेगी, अगर स्क्वायर रूट है मैम तो वो सिंपल वाली प्लस लगेगी। सी नहीं आ रहा, हाँ, प्लस सी नहीं आ रहा। ये हम अगर मीन्स की प्लस सी कब लगाना है, दोनों का टोटल मिला के हमें सी ऐड करना है, जब भी पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो जाए बाद में हम कांस्टेंट ऐड करेंगे। ओके ठीक है, तो अब ये देखो x² - a² है, तब क्या होगा, फॉर्मूला होगी 1/2a, a क्या है 6, 1/2a इंटू लॉग ऑफ x - a दैट इज x - 6 अपॉन x + a दैट इज x + c, कल जो फॉर्मूला लगाई। अब इंटीग्रेशन दोनों का हो गया तो अब हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं।
ओके, इसको रीराइट करो जो भी सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो ये कैंसिल, ये 12 हो जाएगा, 12 3 36, तो ये 3 होगा इनटू लॉग एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस सिक्स प्लस सी। सो ये फाइनल आंसर। इसमें अगर कुछ क्वेरी है तो बताओ। मैम कोई देखा तो नहीं थी। कौन से तमारे ए साइड थी प्रॉब्लम હશે, મે બી નેટવર્ક, કેમ કે હર વખત આવું થાય છે। નેટ તો ફૂલ આવે છે। બીજા બધાને જ દેખાય છે। ओके, मैं यहाँ पे आपको अटेंडेंस के लिए लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अटेंडेंस की लिंक मैंने दे दी है, जिनको भी ब्लर दिखाई दे रहा है वो अटेंडेंस दे दो, और बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर आप रिफर कर लेना, ठीक है। ओके, મેમ મારે નથી થતી અટેન્ડન્સ। આપણા યુનિવર્સિટી નું અકાઉન્ટ છે, હા મેમ, એમાં પણ આજે લિંક ઓપન જ નથી થતી એમાં। ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, એક કામ કરો, લાસ્ટમાં જેમની પણ ઓપન નથી થતી લાસ્ટમાં મને રિમાઇન્ડર આપી દેજો, સો દેટ હું એમની કન્સિડર કરું અટેન્ડન્સ। ઓકે, ઓકે ઓકે કોની કોની આવી વેઇટ, જસ્ટ થોડી વારમાં હું રિપીટ કરું છું નામ કોના કોના આવ્યા છે મને અહીંયા। ઓકે, આઈ થિંક સબને યહાં પે અટેન્ડન્સ દે દી હૈ। મેં યહાં પે નામ બતા રહી હું જિનકી ભી મુઝે અટેન્ડન્સ મિલી હૈ। ઉઝર, કેવલ, સંતોષ, કેવિન, અનુજ, આનંદ, ઋતિક, દીપક, મીત, મનન, પાર્થ, ઉમેશ, કુંજ, અંકિત, કરણ, રાજ, રાજકુમાર, અનિકેત, કૃપાલ, યશ, સ્મિત, મેમ કુલદીપ કુલદીપ, આપકી મુજે વહાં પે નહીં મિલી હૈ અટેન્ડન્સ, મેડમ આમાં નાખ દીધી છે મેડમ બટ ગૂગલ ફોર્મ માં આપો જે લિંક આપેલી છે એમાં। મેડમ કોલ આવ્યો હતો ને તો હું લિંક લીવ થઈ ગયો હતો કોલ મીન્સ વચ્ચે લેક્ચર થી કોલ અલાઉડ જ નથી તમને રિસીવ કરવાનો। તો મેડમ ઇમરજન્સી હતો એટલે ઓકે, ફરીથી મેં લિંક આપી છે, ભરી દો, ચાલો। ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પે જાતે હમ, ઠીક હૈ। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, 8th વન। મેમ મારી પણ ઓલામાં નથી થતી ઓકે, લાસ્ટમાં મને રિમાઇન્ડર આપજો જેમની પણ નથી થતી, જિનકી ભી અટેન્ડન્સ નહીં હો પા રહી હૈ વો મુજે લાસ્ટ મેં બતાયેગા। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નાઉ, દિસ વન, 8th, ઇન્ટીગ્રેશન ઓફ 10² એક્સ
dx। ओके, तो अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स की फॉर्मूला है, तो ऐसा नहीं कि उसकी फॉर्मूला लगाओ और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है? क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन का स्क्वायर, ऐसी कोई हमारे पास इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो सेक स्क्वायर की है हमारे पास फॉर्मूला। अब सेक और टेन, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, उसका कोई रिलेशन है हमारे पास? किसी को अगर ध्यान में है तो बताओ, है ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास टेन स्क्वायर और सेक टेक स्क्वायर? टेक इनटू 10x तो पची सेक एक्स थाई नो नो, सेकंड से हम याद करो, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। किसी को नहीं याद है? कॉट एटले थाई ना कदाच वॉट वॉट नो, सेक और टेन का रिलेशन कोई भी है हमारे पास? लाइक हमारे पास एक फॉर्मूला थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, याद 1 + sec² मैम, करिए। यस 1 + sec² हाँ, बट अधूरा है, मीन्स थोड़ा थोड़ा गलत है। हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, 1 + sec² यहाँ पे लिखते हैं, वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, ऐसी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है? तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ये नेगेटिव है इस साइड लेके गए तो वो प्लस हो गया, और वो एलएचएस को हमने यहाँ, सॉरी आरएचएस को हमने एलएचएस में लिखा। वन को इस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये रिलेशन मेन है, ये आपको याद रखना है, उसके हिसाब से सेक या टेन का रिलेशन आप बना दो। ओके, तो ये वाला रिलेशन हमारे पास है ही। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब हम ये टर्म यहाँ पे रखते हैं तो देखो हमारे पास ये, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है इसकी भी, और वन का भी हमें पता है कि क्या इंटीग्रेशन होता है। हो गया ये सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे रख देते हैं। सो दैट फॉर आई इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स जो था वो अब बन गया, ये यहाँ पे रखते हैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स सेपरेट दे दो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। यहाँ पे वन ना लिखो, इंटीग्रेशन ओनली डी एक्स लिखो तो भी चल जाएगा। ओके, नाउ सेक स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन की, कौन बताएगा? या तो ऐसे ना याद रहे तो आप बताओगे कि किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वो तो पता है सबको, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो उल्टा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा माइनस वन का क्या होगा, एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन हो गया है तो कांस्टेंट ऐड कर दो सी, तो ये आपका फाइनल आंसर। एक बार पाछू समझाओ ना। देखो टेन स्क्वायर एक्स की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन की, टेन एक्स की है, बट ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसका टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, वो आपका आंसर, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा हमारे पास, देखो ये टेन और सेक हमारे पास दोनों का रिलेशन हमारे पास है ही, ये हमें पता है। जैसे कि अगर साइन है तो वो कॉस के साथ रिलेटेड है, टेन है वो सेक के साथ, सेक टेन के साथ, फिर कॉसेक कॉट के साथ रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर इसको हमारे पास टेन स्क्वायर की फॉर्मूला सेक के फॉर्म में है, सेक स्क्वायर के फॉर्म में, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास है तो उसमें कॉन्वर्ट कर देंगे, क्या है रिलेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। तो हमें चाहिए टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, उसकी फॉर्मूला, तो इसके हिसाब से टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अब ये जो भी है उसके जगह पे ये रख दो, रख दिया।
अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और वन का होगा एक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x प्लस साइन 2x माइनस टेन 4x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू डी एक्स। ओके, देखो ये सब फैमिलियर है, ये सब फंक्शंस हमारे पास ई रेस टू एक्स का है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का है, टेन एक्स का भी इंटीग्रेशन हमारे पास है, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी भी फॉर्मूला है, सबकी फॉर्मूला है। बट डिफरेंस क्या है, लाइक मैंने आपको डिफरेंसिएशन में समझाया था कि जो भी फंक्शन दिया है मीन्स हमारे पास जितनी फॉर्मूला है उसमें थोड़ा बहुत भी चेंज है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल का को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अगर लाइक हमें इसका डिफरेंसिएशन लेना है, ये इंटीग्रेशन अभी के लिए भूल जाओ, ई रेस टू 3x का डिफरेंसिएशन लेना है तो हम क्या करते थे, ई रेस टू इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये x नहीं है 3x है, x की टर्म है, तो हम ई रेस टू x के हिसाब से उसका इंटीग्रेशन डिफरेंसिएशन करते थे, अगेन 3x का हम अगेन चेन रूल से डिफरेंसिएशन लेते थे, ऐसा करते थे ना। तो यहाँ पे भी वही सेम फंडा यूज होता है बट नॉट एग्जैक्टली। अगर आपको याद है तो कल मैंने आपको एक रिमार्क लिखाई थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिमार्क, कि अगर ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कल फर्स्ट वाली जो स्लाइड थी वही, अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये मीन्स कुछ फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्या है, ये तो पॉलीनोमियल है, अगर इसकी डिग्री वन है तो ये कोई और फंक्शन में लाइक अगर ये रेस टू वन है तो ये रेस टू टू हो जाएगा, ये रेस टू टू है तो रेस टू थ्री, ऐसा कुछ। ओके, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, जो हम वहां पे चेन रूल स्पेशली अप्लाई करते थे तो यहाँ पे सेम मीन्स कि हमें रेडीमेड ऐसा दे दिया है कि ये अप्लाई करना है, कि अगर एक्स का कोई कोएफिशिएंट है अलग सा तो वो कहाँ पे जाएगा, वन अपन करके, तो ये फंडा हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप साइड में लिख सकते हो ये। तो I इक्वल्स टू पहले सेपरेट दे दो सबको इंटीग्रेशन, तो पहले वालों को दे दिया प्लस करके सेकेंड वाला माइनस थर्ड वन एंड लास्ट वन। ओके, अब देखो इसका अगर यूज करते हैं तो पहले तो ई रेस टू एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है, ई रेस टू एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, e रेस टू एक्स ही होता है, तो इसको एक्स मान लो तो e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स ही होता है, तो वो सेम लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो वन अपन करके लिखना होगा हमें, तो एक्स का कौन सा कोएफिशिएंट है, थ्री, तो वन अपन करके लिख दो, तो ये हो गई फॉर्मूला e रेस टू 3x की। क्लियर? नाउ प्लस
अब हमारे पास साइन एक्स की फॉर्मूला है, क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स, वो सबको पता है। बट ये एक्स नहीं है, एक्स की टर्म है, देखो इस टाइप का रिलेट हो रहा है, ए एक्स प्लस बी जीरो है, ऐसा कि एक्स का कुछ कोएफिशिएंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस होता है वो लिख दिया, अब एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो वन अपॉन करके लिखो, ये माइनस वन अपॉन करके। सिमिलरली टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स, ठीक है, तो लॉग सेक एक्स, बट एक्स का कुछ कोएफिशिएंट है तो वो वन अपॉन करके जाएगा। अब ये तो एज इट इज है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं फाइव स्क्वायर 25 की जगह पे, और ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, तो वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स प्लस ए दैट इज एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस ए दैट इज एक्स माइनस फाइव। अब सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी, तो ये आपका आंसर। ये ध्यान में रखना है, देखो अगर यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है, सॉरी एक्स का जो पावर है वो क्या है, ओनली वन ही होना चाहिए, तभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ए एक्स प्लस बी के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर होता तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है बस आपको। मैम आप फरी थी कराओ ने, मारो नेटवर्क वही क्यों तो फरी थी ज्वाइन थियो। आप बाद में रिफर कर लोगे, अगर किसी का बाकी है लिखना तो फिर मैं समझा दूं। हाँ मैम बाकी चो। ओके ठीक है, क्या करना है, पहले तो हमने सेपरेट दे दिया, अब कल मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक रिमार्क लिखाई थी ऐसा कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर एक्स का पावर वन है सिर्फ और उस टाइप की पॉलिनोमियल है तो इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगाओ और एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो वन अपॉन करके जाएगा, दैट्स इट। अब देखो इरेज टू थ्री एक्स की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इरेज टू एक्स की है, यस, एक्स का पावर वन दिख रहा है, यस, तो हम क्या करेंगे, इरेज टू एक्स की जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, इरेज टू एक्स का इरेज टू एक्स ही, तो जो भी इरेज टू एक्स है वही लिख दो। अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन, सॉरी थ्री, तो यहाँ पे क्या बोला कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला वन अपन करके जाएगा, तो वन अपन जो भी कोएफिशिएंट है वो। सिमिलरली साइन एक्स की फॉर्मूला है हमारे पास, साइन टू एक्स की नहीं है, बट ये देखो डिग्री वन की पॉलिनोमियल है, यस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो जो भी है एक्स वो यहाँ पे लिख दो, मीन्स माइनस कॉस एक्स, बट एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो वन अपॉन करके जाएगा। नाउ टेन एक्स के फॉर्मूला क्या है, लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स, अब एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो वन अपॉन करके लिख दो, वो बन गई फॉर्मूला, और ये तो सिंपल है ही, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 को रीराइट किया, हमने लिखा एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 ए इंटू लॉग एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ओके मैम डन। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में इसको 10 बना दो मैम। यस अपने 1/3 ને x e रेस टू 3x કર્યું તમે મેમ, ત્યાં તો આપણે પાવર માં છે ને x નો કોએફિશિયન્ટ 3, તો એ આપણે આગળ લઈ લેવાનો, તો x નો જે કોએફિશિયન્ટ ગમે તે હોય, આપણી જે ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા હોય કે e રેસ ટુ x હતું, e રેસ ટુ x, તો x નો જે પાવર મીન્સ x ગમે ત્યાં હોય પણ એનો કોએફિશિયન્ટ જોવાનો, ધેટ્સ ઇટ। ઓકે ઓકે
अगर यहाँ पे होता आगे तो वो तो सिंपली हम बाहर ही ले लेते थे, लाइक यहाँ पे किया था, कहाँ पे था वो, यस ये 36, तो इसको सिंपली हमने बाहर ले लिया। ओके तो अगर यहाँ पे आगे होता, अगर यहाँ पे 3 आगे होता, तो वो तो सिंपली हम बाहर ले लेते इंटीग्रेशन के। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन यही टाइप का है, वो हम सॉल्व करेंगे। sec 2x into tan 2x plus cot 3x minus 3 raised to 5x plus cosec square 4x dx। ओके तो यहाँ पे देखो sec, इसको x कंसिडर कर लो, sec x into tan x वो फॉर्मूला है ही हमारे पास, बट यहाँ पे x के कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा है। सिमिलरली cot x की भी फॉर्मूला हमारे पास है, a रेस टू x, ये 3 रेस टू x मीन्स a रेस टू x की भी फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर x की भी फॉर्मूला है, बस x के कोएफिशिएंट जो है वो 1 के अलावा कुछ है, तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स के देखो, एक्स का पावर क्या है, सब में देखो एक्स का पावर क्या है, 1 1 है, तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है तो वो अप्लाई करते हैं। सो सॉल्यूशन पहले सेपरेट दे दो सबको इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक 2x इंटू टेन 2x डीएक्स प्लस सेकेंड वन कॉट 3x डीएक्स, देन थर्ड वन एंड लास्ट वन कॉसेक स्क्वायर 4x डी एक्स। अब इसको x मान लो, तो इंटीग्रेशन सेक x इंटू टेन एक्स क्या होता है, देख के बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक x इंटू जैकेट टेन एक्स, यस गुड, सेक x होता है, तो x क्या था 2x, मीन्स दोनों का देखो यहाँ पे सेम ही होना चाहिए, तो sec x into tan x का होता है sec x। अब देखो x का कोएफिशिएंट 1 है तो वो 1 ओपन करके लिखो। नेक्स्ट प्लस cot x का इंटीग्रेशन, कल वाली फॉर्मूला, मैम, 1 मिनट, 1/2 के बेरी तली तू इसको x माना, ठीक है तो cos sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है तो वो 1 ओपन करके लिखना होगा हमें। नाउ अभी यहाँ पे इसको x मान लो, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल वाली फॉर्मूला देख के बताओ क्या होता है cot x का इंटीग्रेशन, माइनस लॉग कोसेक एक्स यस, और या तो लॉग टेन log एक्स साइन एक्स, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो चल जाएगा, ठीक है दोनों सही है, हम log साइन रखते हैं, तो log साइन अगर यूज करते हैं तो log साइन एक्स। अब देखो x, इसको x माना था, x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है कुछ और है, तो 1 अपन करके लिखना होगा। अगेन नेक्स्ट 3 रेस टू एक्स ऐसा मान लो, इसको एक्स मान लो, ठीक है 3 रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स की फॉर्मूला वो अप्लाई करनी है यहाँ पे, क्या है ए रेस टू एक्स की फॉर्मूला, तो ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, ऐसी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या होगी 3 रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए मीन्स की 3, ए रेस टू एक्स की फॉर्मूला, हाँ तो लॉग ए दैट इज लॉग 3, बट एक्स का कोएफिशिएंट कुछ और है तो वो 1 अपन करके लिखो। नाउ नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर, इसको एक्स मानो, एक्स स्क्वायर देखो ये अगेन मैं बता रही हूं, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ऐसा कुछ होता तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक्स ही होना चाहिए, मीन्स कि एक्स का पावर 1 ही होना चाहिए तभी ये रिमार्क हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो अगेन कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या है फॉर्मूला, तो माइनस कॉट एक्स,
तो माइनस कॉट दिस एक्स, अब एक्स का कोएफिशिएंट कुछ और है तो वो वन अपन करके लिखना होगा. अब सबकी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अप्लाई हो गई तो प्लस सी. क्लियर? सो ये आपका आंसर. ओके, नाउ जो ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है वो ओपन करो. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक. ओके एवरीवन, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम. ओके ओके. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये न्यू टॉपिक है नेक्स्ट वाला. अब देखो ये थ्योरी जो भी है अगर आपको लिखनी है ठीक है, कोई बात नहीं. और वैसे भी मैं ये आपको पीपीटी फॉरवर्ड कर ही रही हूँ गूगल क्लासरूम में और हमारे पोर्टल पे भी. ठीक है, इसकी कोई जरूरत है नहीं. यहाँ पे क्या बोला है कि मैं लास्ट वाला, ये जो लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिख रही है वो क्या है कि अगर x के फॉर्म में, ये फॉर्मूला क्या बताने की ट्राई कर रही है कि देखो पहला जो LHS में इंटीग्रल है वो क्या है x के फॉर्म में, ऐसा दिख रहा है f ऑफ u ऑफ x इंटू u डैश ऑफ x, वो कौन से फॉर्म में है, वो कौन से फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में. तो इक्वल टू करके क्या लिखा है, तो f ऑफ u ऑफ du, u इंटू du. ठीक है, वो कौन से फॉर्म में, तो u के फॉर्म में. तो आगे जो x के फॉर्म में था वो अब चेंज होके u के फॉर्म में हो गया, मीन्स कि हम x में थोड़ा बहुत चेंज लाके हम x की कोई टर्म है उसको u एज्यूम करके ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स कि x के टर्म को हम u से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका मीनिंग ऐसा हुआ.
अगर जिनको भी समझना है ये थ्योरी तो मैं शॉर्ट में समझाने की ट्राई करती हूँ, अगर ना समझ में आए तो छोड़ दो, ठीक है। तो क्या लिखा है ऊपर, सपोज दैट एफ ऑफ यू इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ स्मॉल एफ ऑफ यू, दैट इज, वो ना समझ में आए, नीचे सिंबॉलिकली लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ यू इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ यू प्लस सी, मीन्स की स्मॉल एफ ऑफ यू का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ यू होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा कि कैपिटल एफ ऑफ यू का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ यू होगा। अब मान लो कि जो ये यू है वो अगेन एक्स का फंक्शन है, ठीक है, हमें यहाँ पे लिखा कि एज्यूमिंग दैट यू इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड यूजिंग द चेन रूल, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यू है और डी बाई डी एक्स दिया है, मीन्स कि यू जो है वो एक्स का फंक्शन है ऐसा, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे करते हैं एफ ऑफ यू ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हम चेन रूल लगाते हैं कि पहले यू के फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन करें, अब बाई चेन रूल एक्स का भी करना होगा, मीन्स कि यू जो है वो एक्स का फंक्शन है तो साथ में यू डैश ऑफ एक्स भी आएगा। अब देखो ये f डैश ऑफ u ऑफ x है वो क्या है, ये f डैश ऑफ u ऑफ x ऐसा बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा f ऑफ u, तो इसकी जगह पे हमने स्मॉल f कर दिया, ओके, बाकी का ये u डैश ऑफ x एज इट इज। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, मीन्स कि दिस वन इक्वल टू ये रखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, अगर तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अगर लेते हैं तो जो स्मॉल एफ ऑफ यू है उसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ यू ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। नाउ अगेन ये स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ यू क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ यू, मीन्स कि अगर ना समझ में आए छोड़ दो, ये सिर्फ समझने के लिए था कि क्या बोलने जा रहे हैं यहाँ पे कि एक्स का अगर कोई फंक्शन है तो एक्स की कोई टर्म है उसको यू मान लो और उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, मीन्स कि एक्स के फंक्शन को यू से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ ये जो मैंने आपको वर्ड में बोला, ठीक है, ये उसका मीनिंग ऐसा हुआ मैथमेटिकली, तो सिर्फ ये लिख दो, ओके डन एवरीवन, अगर किसी का बाकी है तो बताओ, ओके। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स राइट डाउन एवरीवन, एग्जांपल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसका हेडिंग है, मैम एक सेकंड खाली कर दो ना, यस यस लास्ट सेकंड, यस ओके ओके डन, ओके ओके। सो राइट डाउन एवरीवन एग्जांपल्स, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, सो अब हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, सो अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो हम आते हैं पेजेस के पास, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब डी एक्स। अब देखो ये तीन तरीके से हो सकता है, तीन अलग अलग मेथड से,
ओके, एक्स प्लस वन होल क्यूब, आपके पास इसकी फॉर्मूला है एक्स प्लस वन होल क्यूब, यस, उसको एक्सपांड कर दो और एक्स रेस टू एन वाली फॉर्मूला आप लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो. दूसरी मेथड हम यहाँ पे देखते हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उस हिसाब से ये क्या करना है इसमें, तो वो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो इसको I मान लिया, ठीक है, ये इंटीग्रल क्या करना है, तो कोई भी टर्म जो x की दिख रही है उसको हम u मान ले, जो भी मेन टर्म है, क्या है x प्लस वन उसको u मान लो. अब इसको अगर u मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u क्यूब. u क्यूब की हमारे पास फॉर्मूला है, यस, x क्यूब की है, तो वो हमें अप्लाई करनी है, दैट इतना आपको करना है, ठीक है. बट देखो, ये हम यहाँ पे u क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे dx है, तो इसको भी du के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे. हम जैसे वहां पे लिखते थे ना d बाय dx, ऐसा ही हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, x का अगर डिफ्रेंसिएशन लेते हैं वो टोटल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, तो x का हो जाएगा dx, ये टोटल डिफ्रेंसिएशन इसको बोलते हैं. तो x का हो जाएगा dx, 1 का होता है 0, और u का होगा du. अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे यू स्क्वायर होता तो टू यू डी यू, ऐसे टोटल डिफरेंशिएशन लिखना है आपको, इसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है. तो एक्स का हो जाएगा डी एक्स, वन का हो जाएगा जीरो, यू का होगा डी यू, डिफरेंशिएशन. अब देखो ये दोनों जो भी है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या था वो लिखो. अब वो चेंज होके क्या बन गया, तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन दैट इज यू उसका क्यूब, डी एक्स की जगह पे हमें क्या मिला, डी यू. अब इसको हमें सॉल्व करना है, यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो यू क्यूब, तो यू रेस टू एन की फॉर्मूला है हमारे पास, यस, उसका यूज करो, क्या होगा, तो पावर में एक एड करना है और वो पावर जो है वो नीचे जाएगा प्लस सी, तो ये क्या बन गया, यू रेस टू फोर अपॉन फोर प्लस सी, तो ये आपका आंसर. अब ये फाइनल आंसर नहीं है, हम देखते हैं इंटीग्रल कौन से फॉर्म में था, तो एक्स के फॉर्म में, हमें आंसर कौन से फॉर्म में मिला, यू के फॉर्म में, तो इसको अगेन एक्स के फॉर्म में कॉन्वर्ट करो, तो यू क्या था, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन रेस टू फोर अपॉन फोर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर. अगेन मैं रिपीट करती हूँ मैडम, आ तो ऊंधा कान पकड़ा कहवाय ने, डायरेक्ट नहीं, पहला यू मां आम बदली ने પછી પાછું આમ બદલી, યસ, કેમ કે ડિરેક્ટલી અગર આપણને અનુ ઇન્ટિગ્રેશન નથી આવડતું, સપોઝ ચલો મેં તમને એવું કીધું, જૈસે કે મેને આપકો બતાયા કે x + 1 હોલ ક્યુબ હે, ઇસકો એક્સપાન્ડ કર દો, ઉસ હિસાબ સે ભી ઇસકા આપ ઇન્ટિગ્રેશન કર સકતે હો, યા તો અબ સપોઝ આપકો આપકે પાસ ઇસકી કોઈ ફોર્મ્યુલા હે હી નહીં जिसको एक्सपांड कर सको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन है उसको u मान लो, फिर उसको पूरे के पूरे u के फॉर्म में कॉन्वर्ट करो, मीन्स कि dx को भी du बनाना है, वो कर दिया. अब जो भी u के फॉर्म में हमें जो कुछ भी मिला वो यहाँ पे रख दो, उसका इंटीग्रेशन करो. अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, इजी बनाने के लिए हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे तो बहुत ही इजी वाला ये टर्म है आपको, आपके पास, आगे हम देखेंगे जब भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है जब, तब क्या करोगे, तब तो आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है. तो आंसर आपको क्या मिलेगा, यू रेस टू फोर अपॉन फोर. अब हमारे पास जो भी फंक्शन इंटीग्रल में दिया था क्वेश्चन में वो एक्स के फॉर्म में था, तो इसको भी एक्स के फॉर्म में रख दो. क्लियर, अब जो हमने आगे रिमार्क दी देखी थी उसके हिसाब से भी ये वाला सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन, तो हम उसके हिसाब से भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो. ओके, सो और करके हम दूसरी मेथड देखते हैं. सी, जैसे कि हमने आगे देखी थी जो भी रिमार्क,
क्या थी रिमार्क, ये कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी मेन फंक्शन है बट उसमें एक्स की जगह पे एक्स की पॉलिनोमियल है विद डिग्री वन, तो उसका डिफरेंशिएशन वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस क्या करना है सिर्फ ए का जो भी कोएफिशिएंट है वो वन अपन करके लिखना होगा आपको। बट कंडीशन क्या है, सिर्फ कि ये जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री वन की ही होनी चाहिए। ओके सी, यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन, डिग्री ऑफ एक्स क्या है वन है, इसको एक्स मान लो तो फिर तो एक्स क्यूब की फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला सॉरी दूसरी वे से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री वन दिख रही है एक्स की, यस तो इसको एक्स मान सकते हैं, एक्स मान लो तो एक्स रेस टू थ्री, उसकी फॉर्मूला क्या होती है तो एक्स रेस टू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी हो गया। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन, तो वन अपॉन वन वो मीन्स ना लिखो तो भी चल जाएगा, बट ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, रेस टू फोर अपॉन फोर प्लस सी, दोनों सेम आंसर मिले, यस। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने ये क्यों कराया, क्योंकि ये इजी था और सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, तो आपके ध्यान में रहे, इसलिए मैंने ये अलग से करवाया। अगर मैं डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड सम यहाँ पे करा दी तो आपको समझ में ही ना आता, ठीक है। सो ये हो गया सबका, अगर बाकी है तो बताओ। मैम पंटो यो जी समझो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन। अमा पेज थोड़ुक नीचे कर जो ना, और वाली जो मेथड से नहीं देखा थी ना थी बराबर। ओके मोबाइल रोटेट करी दो तो देखा से ना, रोटेट करे लुट से। अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का पॉलिनोमियल टाइप का ही हम देखते हैं चलो यहाँ पे, कि अगर ऐसा है सपोज ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिया है। अब देखो सपोज आपको रिमार्क पता ही नहीं है जो हमने देखी थी, वो अगर पता ही नहीं है या तो आपको ध्यान में नहीं जा रही है, तब सब्स्टिट्यूशन काम में लगेगा। क्या करना है, तो जो मेन फंक्शन दिख रहा है समथिंग रेस टू सेवन, बट वो समथिंग क्या है फाइव एक्स प्लस टू, तो इसको कुछ और मान लो। सो हम लिखते हैं लेट फाइव एक्स प्लस टू इक्वल्स टू सम अनदर वेरिएबल से यू, ठीक है। जो भी आपको फंक्शन दिख रहा है जिसकी फॉर्मूला आपको नहीं पता उसको इक्वल टू यू मान लो। अब ये यू रेस टू सेवन हो जाएगा, उसकी फॉर्मूला आपके पास है, हाँ है। अब क्या करना होगा, dx को भी u के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो पूरा का पूरा, टोटल डिफरेंशिएशन लेना है तो 5x, तो 5 मल्टीप्लीकेशन में तो एज इट इज x का हो जाएगा dx प्लस 2 दैट इज 0, और u का हो जाएगा du। हमें चाहिए सिर्फ dx, ये पूरी की पूरी टर्म बन गई 5x प्लस 0 दैट इज 5, सॉरी 5dx प्लस 0 दैट इज 5dx, हमें चाहिए सिर्फ dx, तो 5 इस साइड लेके जाते हैं, तो dx इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन 5 du। अब ये दोनों भी टर्म जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे, सो देयरफॉर i जो था वो लिखो, वो अब क्या बन गया, तो ये हमने u माना था तो u रेस टू 7 dx क्या बना अब 1 अपॉन 5 du, 1 अपन 5 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, तो क्या बचा यू रेस टू 7 डी यू। अब देखो इसका इजीली आप इंटीग्रेशन ले सकते हो, क्या होगा यू रेस टू 7 डी यू, यू के फॉर्म में
यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ये यू रेस टू एन टाइप का दिख रहा है, तो क्या होगा, यू रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो ये 1/5 एज इट इज, ये क्या बन गया, यू रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी, तो ये यू रेस टू 8 अपॉन 40 प्लस सी, ये आपका यहां तक का फाइनल आंसर। बट हमें जो भी फंक्शन दिया था वो x के फॉर्म में है, तो u के u को अगेन x के फॉर्म में ला दो, u क्या लिया था तो 5x plus 2, that is 5x plus 2 raised to 8 upon 40 plus c, तो ये आपका फाइनल आंसर। नाउ जो आगे हमने रिमार्क देखी, अगर वो आपको अप्लाई करना आता है तो उसके हिसाब से भी हम फिर से सॉल्व करते हैं इसको और करके। ये हो गया सबका, सो और करके अनदर मेथड रिमार्क का यूज करते हैं। रिमार्क क्या है, अगेन मैं यहां पे लिखती हूं, कि जो भी पॉलिनोमियल है डिग्री वन की, तो उसके हिसाब से जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो, बस जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है वो वन ओपन करके लिखना होगा आपको। सो और करके हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो देखो ये मेन फंक्शन है 5x plus 2, ये डिग्री ऑफ वन है पॉलिनोमियल, यस ax plus b टाइप का दिख रहा है, हाँ तो इसको x मान लो, x raise to 7 क्या होता है, तो 7 plus 1 upon 7 plus 1 plus c, अब यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है वो 1 upon करके लिखना होगा। ओके तो ये क्या बन गया, तो 5x plus 2 raise to 8, ये 8 into 5 40 plus c, तो ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो मैम। हम्म, रिमार्क में 1/a लाइक कुछ है ना, बटले 1/b नहीं यार, नो 1/a मैंने बोला था आपको कि 1/b जो है उसके बदले आपको a लिखना है, ठीक है, उसको करेक्ट करके मैंने वो जो अपलोड किया है उसमें करेक्टेड फॉर्म ही है आपके पास। अब जिनकी भी अटेंडेंस नहीं हो रही थी वो मुझे यहाँ पे बता दो, खुशी का नहीं हो रहा था, फिर और किसका नहीं हो रहा था, मारू नो तो थी मैम, मैम मारे तो आई है हां अटेंडेंस, ओके मैम मारे नो तो मारे मारे पहले हो जाना बताओ तो नोटा कौन रिस्पोंडेड बताता नोटा प्रसिद्ध बोल प्रसिद्ध હવે થઈ ગયું છે કે બાકી છે बाकी है मैडम। ओके यहाँ पे दे दो, जिनका भी नहीं हुआ है वो यहाँ पे अटेंडेंस मुझे दे दो, सो दैट मुझे ध्यान में रहे, जिनका नहीं हुआ है वो ही। हाँ ओके कृपाल, ये जैनब प्रसिद्ध एंड और कोई खंजन, खंजन वहां पे गूगल फॉर्म पे ही दो, आपका तो हो रहा है मैम, पर हमारा लिंक करना थी। हाँ એટલે લીવ થઈ ગયા હોય પછી ક્યાં થી આવે, લીવ જ નથી મેડમ, પહેલે થી શું, ઓકે લીવ ઇટ ધેન, ઠીક છે, તો પ્રસિદ્ધ સૈનક એન્ડ ખંજન, સો આજ કા સેશન હમ યહાં તક રખતે હૈ, નેક્સ્ટ બાકી કે સમ્સ હમે આગે બહોત સારે દેખને ઇસી ટાઈપ કે, तो वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, सो नाउ यू कैन लिव, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।